टिप टिप बरसे पानी, स्नो बन गई। मैं हूं लोकेश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस व्लॉग में, वो बड़े मसालेदार चीज़ है, क्योंकि इंडिया से बाहर जब भी इस चीज़ के बारे में बात होती है तो सिर्फ इसका नाम नहीं बोला जाता। इंडिया में तो आप बोलोगे कि चाय है क्या, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे मसाला चाय। यहाँ कनाडा में अगर आपको इंडिया की चाय चाहिए तो आपको मसाला चाय बोलना पड़ेगा। तो चाय की इस व्लॉग को बनाते हुए मैंने थोड़ा चाय की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करी कि भाई इंडिया में चाय आई कैसी है। ये तो हमें पता ही है कि ब्रिटिशर्स चाइना से चाय की पत्तियां लेके आए थे और चाइना में इसको चा बोला जाता था, इंडिया में आके चाय हो गई। लेकिन क्या उससे पहले भी इंडिया में लोग चाय पीते थे? तो आयुर्वेद के हिसाब से ये स्टोरी है कि भाई कोई राजा था जिसने हर्ब से पानी में गर्म करवा के चीज़ें बनवाई, और इंडिया के बाहर आज भी चाय ऐसे ही पी जाती है बिकॉज उसके अंदर मिल्क नहीं मिलाया था, कोई और दूसरी स्पाइसेस नहीं मिलाई जाती, जो कि सिर्फ इंडिया में ही ये कल्चर है कि हम उसके अंदर अदरक, काली मिर्च और पता नहीं क्या क्या चीज़ डाल देते हैं। आप किसी के घर में मेहमान हैं इंडिया में और आप जाते हैं तो आपसे ये बात ज़रूर पूछी जाती है कि क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी अगर यहाँ आप कनाडा में कहीं पर जाएंगे तो आपको सिर्फ कैफेज मिलेंगे। चाय की कंजम्पशन कंपैरेटिवली लो है क्योंकि इंडिया में जो चाय प्रोड्यूस होती है 70% वहीं पे कंज्यूम हो जाती है, और कॉफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको साउथ ऑफ इंडिया में, लाइक जो स्टेट्स हैं सदर्न स्टेट्स हमारे, तो वहाँ पे कॉफ़ी का रिवाज, उसकी कंजम्पशन शायद डेफिनेटली ज़्यादा है कम्पेयर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब तो नॉर्थ में भी कैफ़े कॉफ़ी डे और ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ खुल गए हैं, पर कंपैरेटिवली साउथ में ज़्यादा है। कॉफ़ी कहाँ से आई इंडिया में? कॉफ़ी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं मेरे पास दो। एक तो ये कि कॉफ़ी को पहले उगाया था तब में अरब शेफर्ड्स थे, जो कि गडियारे होते हैं, जो कि भेड़ चराते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जो उनकी भेड़ें हैं वो कुछ सीड्स खा के उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, वो सीड्स को ग्रो करना शुरू किया, उसका ह्यूमन कंजम्पशन शुरू हुआ, जिससे कॉफ़ी का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ ये, अरब वर्ल्ड ने इसको अपनी मोनोपोली बना दिया कि अरब वर्ल्ड से बाहर ये कॉफ़ी की सीड्स ले आना अलाउड नहीं था। तो 1600 समथिंग, 1692 आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर 1600 में एक पिलग्रिम थे जो कि जैसे हज पे जाते हैं तो मक्का गए थे, बाबा बुदान, तो वो यमन से ये कॉफ़ी सीड स्मगल करके इंडिया ले आए कर्नाटका में कहीं पे, और उन्होंने ये चंडीगिरी, शायद चंडीगिरी हिल्स, वहाँ पे कॉफ़ी सीड्स डाल दी, जहाँ से ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कॉफ़ी ग्रो होनी शुरू हुई। कॉफ़ी को लेके एक और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक टाइम पे, आज की डेट में आप कॉफ़ी इटालियन कैफेज आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किसी टाइम जब ये रिलीजियस वॉर चल रहे थे बिटवीन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द क्रिश्चियन वर्ल्ड, तो जब कॉफ़ी धीरे धीरे क्रूसेड्स के बाद रोम तक पहुंची, तो वहाँ पे जो रोमन्स थे वो इसको बोलते थे, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था, क्योंकि अरब लोग इसको पीते थे तो ये बोलते थे इसको कि ड्रिंक ऑफ सैटन है बिकॉज एनिमीज इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको पीना अलाउड नहीं था या इसको पीना बुरा माना जाता था। तो लेकिन जब इवेंचुअली धीरे धीरे जब रोमन्स को इसकी आदत पड़ गई, इटालियंस को इसकी हैबिट पड़ गई, तो वो पोप के पास गए, पोप को उन्होंने बोला भाई ये तो हमें अच्छी लगती है पीने में, इसका कुछ करिए आप, इसको आप ड्रिंक ऑफ सैटन मत बनाइए इसका। तो पोप ने कॉफ़ी को बैप्टाइज किया, जिससे ही कॉफ़ी का इटली में और लेटर ऑन पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, जो आज का प्रेजेंट डे यूरोप है, उसमें कंजम्पशन फैला। तो ये भी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रीड करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। इंडिया स्टाइल वाली चाय पिलाते हैं आपको आज रेमेडी कैफे पे।
जो आलू गोभी रैप कितने का है? $10 समथिंग ना, और चाय है 550 की, और $5 के हमने टिप डाली इधर। ये हमारे लेफ्ट साइड पे डाउनटाउन है जिस तरह हम जा रहे हैं, एक कैफे है जिस जो कि हम यूजुअली जब बीसी जाते हैं ब्लेंड्स कैफे, तो उधर हम जाते हैं। तो बहुत टाइम से उसका लिखा हुआ है कि भाई वो एडमिंटन डाउनटाउन में ओपन होने वाला है, ओपनिंग सून, देखते हैं भाई ओपन हुआ कि नहीं हुआ। तो रेमेडी कैफे तो हम आ गए, बढ़िया कैफे है, वहाँ पे चाय ऐसी मिल जाती है जैसे कि आपको इंडिया में मिलेगी। शायद कोई पाकिस्तानी फैमिली है, शायद उनका स्टोर है वो, उनका रैप अच्छा था। टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये वाटरडेल ब्रिज एक नई ब्यूटी है सामने, और हम वाटरडेल ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं। नई एक एडिशन है, नई तो नहीं, अब इसको भी कुछ साल हो गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये अलग अलग व्यूज से एडमिंटन के। और उधर जो ऊपर एक बिल्डिंग दिख रही है वो एडमिंटन का लेजिस्लेचर है। तो देखो अब ये सामने हम डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर वो स्टैंटेक टावर अब थोड़ा दिखने लग गया, उसका टॉप का पार्ट है ना, लगता है। इंडिया में जब बारिशें होती है ना तो हम बोलते हैं कि भाई क्या रोमांटिक मौसम है, चलो पकौड़े बनाते हैं। यहाँ पे कल्चरल चेंज जो है, जब बारिश होती है तो लोग बोलते हैं बड़ा ग्लूमी वेदर है यार, अच्छा नहीं लग रहा, सन आना चाहिए। हालांकि वो ठीक भी है, बिकॉज 6 महीने की विंटर देखने के बाद कौन कमबख्त जाएगा कि फिर से क्लाउड देखें। लोगों को लगता है कि यार सूरज आए, थोड़ा बाहर घूमे, रनिंग करें, पार्टी मनाए, बाजी करें, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। तो देखते हैं अभी ब्लेंड्स कैफे खुला है कि नहीं खुला डाउनटाउन एडमिंटन में। और ये अपना अल्बर्टा का लेजिस्लेचर बिल्डिंग है, काफ़ी रेनोवेशन चल रही है इसके अंदर भी, तो इसका भी किस दिन चलेंगे क्योंकि ये अब इसमें अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है आपको। हाँ, कोविड की वजह से लाइक सैटरडे को अपॉइंटमेंट मिलता है यूजली शायद, पर पहले आप यू कैन जस्ट वॉक इन एंड से कि भाई मेरे को लेजिस्लेचर बिल्डिंग देखनी है, तो आपको अलाउ कर देते हैं। पर अब कोविड के बाद से चीज़ें चेंज हो गई हैं, और ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से हम जाएंगे, जो ये अल्बर्टा के लेजिस्लेचर को ये ब्रिज डाउनटाउन से कनेक्ट कर रहा है उस तरफ। बहुत सारे जो कैफेज हैं, स्टारबक्स हो या टिम्स हो या फिर मैकडोनल्ड्स हो, जरूरी नहीं है कि वो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स ही होंगे, इसके भी साइड पे स्टारबक्स कैफे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मोस्टली वॉलमार्ट में मैकडोनल्ड्स का कैफे मिल जाएगा, अभी आप ग्रॉसरी कर लो, अपनी शॉपिंग कर लो, और बाद में वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी लो। ये अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी के पास थे जहाँ से हम रेमेडी कैफे में थे, और अभी हम डाउनटाउन में हैं, बस रिवर जो रिवर है नॉर्थ सस्कैचुअन रिवर वो क्रॉस करके आए हैं, और यहाँ पे भी एक रेमेडी कैफे है आगे, दूसरा रेमेडी कैफे। तो रेमेडी कैफे कई जगह पे है, ये अपने डाउनटाउन का रेमेडी कैफे है। ये भी एडमिंटन की टूरिस्टी प्लेस है, वाइट एवेन्यू, इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे, फार्मर्स मार्केट, इस तरह की चीज़ें हैं। वाइट एवेन्यू पे आ गया टिम हॉर्टन्स। तो टिम हॉर्टन कनाडा की चेन है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है पर इंडिया में शायद नहीं है। मैंने नेट पे देखा था 15 कंट्रीज़ में है टिम हॉर्टन्स, इस वक्त इंडिया में नहीं है। इंडिया में खुल रहा है शायद, खुलने वाला है। तो सस्ता कुछ नहीं लगता, लाइक $6.18 का कॉफी, साथ में हैश ब्राउन और ये सैंडविच, इसलिए सबसे सस्ता टिम्स है। ये इनका क्रिस्पी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप 3 मिल्क भी दे दो तो भी स्ट्रॉन्ग है इंडियन चाय के हिसाब से, कॉफ़ी के हिसाब से है ना।
475 का रैप है और 475 की कैफे कैफे लाते हैं। इसकी चाय कॉफी पर इसमें वाले कुछ भी नहीं है। कल $6 और 18 सेंट्स में कॉफ़ी हैश ब्राउन और साथ में सैंडविच तीनों आ गए थे और यहाँ पे 475 की कॉफ़ी है और 475 का एक सैंडविच है। तो स्टारबक्स में चाय कॉफ़ी पर टेबल्स के और वहाँ कॉफ़ी अच्छी है। फटा चीज़ रैप डिवाइड कर लिया, करो उठाओ अपना। महंगी वाला रैप बताओ कितने का है, कैसा है? हमारा ऑर्डर था $6 का, आज जिया साथ में है $18। लेकिन ये एप्पल पाई कॉफ़ी में यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। ये स्टिकी इस पर लगा लो, ऐसे साथ इकट्ठे करोगे तो एक कॉफ़ी फ्री है। अच्छा भाई वाली प्राइस के साथ के भी है वहाँ पे भी $5 की आती है। फेवरेट रेस्टोरेंट इन सब में मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, रेमेडी और रेमेडी। मेरा कॉफ़ी में फेवरेट यूज्ड टू बी टिम्स, अब है मैकडोनल्ड्स। प्राइस में और उससे सबसे अच्छा मैकडोनल्ड्स है। कॉफ़ी में सबसे अच्छी कॉफ़ी है, चाय में सबसे अच्छा रेमेडी, उसके बाद स्टारबक्स अदरवाइज सबकी अपनी भी चॉइस है। टिम हॉर्टन्स की ड्राइव थ्रू है, देखो लिखा भी है टिम हॉर्टन्स ड्राइव थ्रू। रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं सॉरी, चाहे मैकडोनल्ड्स हो, टिम हॉर्टन्स हो, A&W हो, स्टारबक्स हो, सबकी ड्राइव थ्रू है। और कोविड के टाइम में इनका सही में बहुत यूजफुल मालूम पड़ा था, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे तो एटलीस्ट लोग ड्राइव थ्रू से जाके कॉफ़ी और जो भी चीज़ें खानी है वो ले सकते थे। Yeah, can I have a small coffee with one cream, one milk, please? One cream, one milk? Yeah. Sure. That would be all. Thank you. Okay, $1.50 for yourself. Thank you. So, ये कॉफी पड़ी हमें $1.61 की। पे कैसे भी कर सकते हो, कैश से या कार्ड से। हेलो थैंक यू। ओके अभी कॉफी का पिकअप आ गया, थैंक यू। तो जैसा कि मैं कह रहा था ड्राइव थ्रू का, और आप चाहे तो ऑर्डर करके इधर पिकअप भी कर सकते हो अगर वेटिंग टाइम है तो। ड्राइव थ्रू का कोविड में बड़ा यूज़ हुआ था, बिकॉज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मोस्टली बहुत सारे क्या सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, तो उस टाइम में इन ड्राइव थ्रूज पे आप आके अपने लिए कॉफ़ी
अगर आप बहुत सारे लोग जो ऑड आवर्स में जॉब करते हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो सपोज कहीं पे, तो रेस्टोरेंट बंद थे तो एटलीस्ट आप ड्राइव थ्रू पे जा सके जाके और अपनी कॉफ़ी या कुछ भी खाने की चीज़ ले सकते थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये मेरे ख्याल से सब जगह होनी भी चाहिए। अपनी हाफ मैराथन करने के लिए मेबी नेक्स्ट ईयर फुल मैराथन करूँगा, यू नेवर नो। तो ये था आज का ब्लॉग हमारे एडमिंटन में जो कैफ़ेज़ हैं उनके बारे में। टिम हॉर्टन्स सिर्फ एक कैनेडियन ब्रांड है जो कनाडा में मिलता है और 15 और कंट्रीज़ में है, इंडिया में शायद अभी नहीं है, कह रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाला है। मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स तो आप जानते ही हो इंडिया में भी है, कि वहाँ पर स्टारबक्स की जो चाय लाते हैं वो थोड़ी बहुत इंडियन चाय जैसी है पर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है मैकडोनल्ड्स और टिम से। रेमेडी की चाय बहुत अच्छी है, चाहे वो बादामी चाय हो, कश्मीरी चाय हो, मसाला चाय हो, रेमेडी एक लोकल कैफ़े है एडमिंटन का। कैफ़े ये बीसी की चेन है जो कि एडमिंटन में ओपन होने वाली है, अभी गए थे पर ओपन नहीं हुई थी। अब 10 किलोमीटर और पूरे करे घर जाता हूँ क्योंकि घर में मसाला चाय, घर की अपनी इंडियन चाय वेट कर रही है। भाई दुनिया के कहीं भी चले जाओ बस जो चाय अपने घर में बनती है उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस व्लॉग को यूट्यूब पे वॉच करो, वहाँ पे जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय नाउ, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।